नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। बेटा, अब गरीबी का नामो निशान तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हटने वाला है। दो दोस्तों, जो ये 5 काम करेगा उनकी जिंदगी ही पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि यदि आपने अपने जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, पैसों के लिए यदि आप तड़प रहे हैं, धन की कमी है आपके जीवन में, तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ, ये मौका यदि आपके हाथ से चला गया तो ज़िंदगी में आपको कभी भी ऐसा बड़ा मौका नहीं मिलेगा जिसमें बंगला, गाड़ी, कार, मोटर, घर, संतान, पुत्र की प्राप्ति आपको इस वीडियो में देने के बाद में जल्दी ही होने वाली है। दोस्तों, आपके सभी कार्य जल्दी ही बनेंगे और सभी कार्य में समय आपकी गति आने वाली है। आपको बता दूँ कि इस समय भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा, भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप अपने कार्यों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बना रहेगा तथा दोस्तों आपके मनोमामले में भी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है और इस समय आपको घबराना नहीं है। जो भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। जो चीज आपसे नहीं हो पाती है, वह चीज ईश्वर जरूर कर देता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दे कि किसी अन्य व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा आपका होता है, लेकिन आप लोग इतने समझदार हैं कि आप सभी चीज़ों को सही तरह से सुलझा देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगले 5 दिनों में ये आने वाला साल आपका किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। दोस्तों, जब आपको बता दें कि आप किसी काम में सफल नहीं होते हैं, तो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन आप लोगों को इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। हम ऐसी कुछ खास सावधानियां बताएंगे जिससे आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा कारण बन सकती है, और कुछ ऐसे लाभ बताएंगे कि आपका एक छोटा सा उपाय भी आपको करोड़ों का मालिक बना सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ईश्वर का जो करना धरना है, वो केवल और केवल आपके कर्मों पर निर्धारित है। यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं, तो आपका उसका शुभ फल भी जरूर प्राप्त होगा। जिनसे दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप सभी के जीवन काल में अन्य बड़े बदलाव किस प्रकार देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका किस प्रकार जीवन बदलेगा। और दोस्तों, इस समय से जो घटनाएं आप सभी के जीवन काल में शुरू होने वाली हैं, अब इन्हें अपनी आंखों पर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर ये कैसे हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि भगवान की लीला है, इसे कोई भी नहीं समझ सकता। बस इसे आप जान सकते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, और आपकी अब अच्छी घड़ी आ चुकी है और आपके अब जीवन काल में रोशनी की नई किरण जागने वाली है। और दोस्तों, हम आप सभी को ये भी बता दें कि इस समय भगवान का आशीर्वाद आप सभी के सर पर होने वाला है। दोस्तों, जो भी ग्रह की शुभ स्थिति बनने वाली है, जो भी ग्रह में शुभ योग का निर्माण हुआ है, इसका सीधा असर आपकी कुंडली पर पड़ चुका है, जिनसे कि दोस्तों भगवान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण मौके आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फल आने वाले हैं, जिनसे आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को यदि आपने मिस कर दिया, तो दोस्तों आने वाले पूरे जीवन भर आप पछताते रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान अगर आपको मौका दे रहा है, तो उस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान अगर पिछले समय में आपको कोई दुख दिया है, तो वह आपके दुख नहीं है, वह आपके इम्तिहान की घड़ी थी, वह आपकी परीक्षा की घड़ी थी। और दोस्तों, अब आपको फल मिलने वाला है और इस समय यदि आप इनसे चूक जाएंगे, तो ये आपके सबसे बड़े जीवन की गलती होगी। इसलिए बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को आप बिल्कुल स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देख लें। दोस्तों, हम दावे के साथ कहते हैं
कि आज की इस वीडियो को जो भी जातक शुरू से लेकर अंत तक देखेगा दोस्तों, उनके जीवन काल में बड़े ही महत्वपूर्ण लाभ मिलकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, फल देने वाले ईश्वर वहाँ बैठा है। दोस्तों आपको बता दूँ, इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में कि इस समय आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधानी रखनी होगी, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद में घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य माहौल में, बिजनेस व्यापार में क्या खुशखबरियां चमत्कार मिलने वाले हैं, बात कर लेते हैं पूरे विस्तार के साथ में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में भगवान के असीम कृपा अब पड़ चुकी है और ग्रह की बड़ी ही पूर्ण स्थिति बन रही है, जिनसे कि आने वाले समय में आपके भाग्य के पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। दोस्तों आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अब से आपके सभी के जीवन काल में धन की समस्याओं से निजात मिलने वाली है। और दोस्तों आपके जीवन काल में खुशियों की नए दौर शुरू होगा। और दोस्तों दिन की शुरुआत बड़ी ही सुकूनदायक रहेगी। अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें, सामाजिक संबंधों का दायरा विस्तृत होगा, जरूरतपूर्ण व्यक्तियों की मदद करने से आर्थिक सुकून मिलेगा, तनाव मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। पिछले कुछ समय से जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे थे वह हासिल होगी, नवीन कार्य संबंधी योजना बनेगी, ये योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित होंगी, विदेश जाने के लिए प्रयासित लोगों की खूब सहायता मिलेगी। दोस्तों अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन समय महत्वपूर्ण रास्ते खोलेगा। इसके साथ लाभदायक बिंदु पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें, इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें। परिवार जनों के साथ चल रही गलतफहमियों का निवारण होगा। धार्मिक स्थल पर समय व्यतीत करने से शांति और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही साथ जहां काम होने से सुकून भी रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में निकट संबंधियों का आगमन होगा, आपसी विचारों का आदान प्रदान होगा। दोस्तों इसके साथ ही आपको इन दिनों में कुछ खास सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। दूसरों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। दोस्तों दिनचर्या की कार्य पर अपना ध्यान दें। दोस्तों कार्य संबंधित मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन पर किसी पर हस्तक्षेप ना होने दें। स्वभाव में वहम और गुस्से की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से परिवार लोग परेशान रहेंगे। कमियों में सुधार लाएं। आय के साथ साथ खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए बजट का ध्यान रखें। कहीं भी निवेश करने से पहले उचित जानकारी अवश्य लें। ध्यान रखें कि अपने व्यक्तिगत कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष शेयर ना करें व सीक्रेट रखें। आपकी गतिविधियों का कोई नाजायज फायदा उठाकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा संबंधी तैयारी करने में अधिक मेहनत की आवश्यकता है। व्यवसाय संबंधी सभी निर्णय खुद लें। आर्थिक मामलों में निवेश करना भविष्य में फायदेमंद रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ बदलाव होंगे। अपने व्यवहार कुशलता द्वारा नकारात्मक चीज़ों को काबू में करें। अपनी योजनाओं पर काम करने के तरीकों को जाहिर ना करें, इसमें किसी भी तरह की राजित भी हो सकती है। चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आएं। दोस्तों बिजनेस में विस्तार संबंधी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।